वो अपना सा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ गई, निशा ये क्यों कह रही थी कि हमारी शादी को 21 साल हुआ है। निशा अपने बीते कुछ साल भूल चुकी हैं। उनको अपनी शादी के 1 साल तक का ही वक्त याद है। सब कुछ इतनी मुश्किल से ठीक हुआ है, फिर क्यों कर रही हो ये? निशा की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए तुम दोनों पे, पता नहीं वो कब क्या कर जाए। जब तक वो थोड़ी ठीक हो जाए और सच सुनने के लायक हो जाए, बस तब तक हम उसे घर में रखें, दैट्स इट। निशा को ये पता नहीं चलने देना है कि मेरी और आदि की शादी हो गई है। छोड़ो, जाने दो मुझे, छोड़ो, 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो ना। आदि कहाँ है? आदि, आदि ड्रेस? पता नहीं, वो जी के बारे में सोच रही हो, है ना? पता नहीं क्या कर रही हो, क्यों? आज उसके लिए बहुत खास दिन है ना? काकी माँ, मेरी पहली हरतालिका तीज है ना, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। कितने क्यूट लग रहे दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में। चलो बस का टाइम हो गया ना, कम काकी माँ बताइए मुझे, क्या कैसी तैयारियां करते हैं, कैसे सेलिब्रेशन करते हैं? मैंने सुना है कि ये फेस्टिवल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली उनके लिए जिनकी नई नई शादी होती है, और मेरी तो शादी के बाद पहली तीज है, तो आप मुझे सब कुछ बताना, ठीक है? आप किसी भी बात की फिक्र मत करना जानवी। इतनी फिक्र करके क्या फायदा? आप ही हमेशा कहते हो ना कि दी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझदार है, तो बस संभाल लेगी वो सब कुछ। आई एम श्योर जीजू दी की थी कि पहली तीज को बहुत स्पेशल बनाएंगे। आज उसकी पहली तीज है। और आदित्य? जीजू कभी कुछ गलत नहीं करेंगे माँ, वो कभी भी अपने बीते कल का असर अपने आने वाले कल पर और अपने आने वाली खुशियों पर नहीं पड़ने देंगे। आप चिंता मत करो, देख लेना दी की ये पहली तीज बहुत ही अमेजिंग होगी। लापरवाही की, अरे काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वहां हाईवे पर खड़े रहकर क्या करोगे, मक्खी मारोगे क्या? निकलो वहां से, फौरन निकलो। भी कौन रुका है हाईवे पे? एक काम क्यों नहीं करती तुम, ये घर का सारा काम छोड़ के कचहरी क्यों नहीं खोल लेती? आजकल बातें कम, तुम सवाल ज्यादा पूछती हो, बात क्या है? सवालों के जवाब तो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फैक्ट्री में स्ट्राइक कैसे हुई, वर्कर्स क्यों काम पे नहीं आ रहे, और मैं तुम्हारी इजाजत के बिना सांस क्यों नहीं ले रहा हूं, है ना? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा, और आज तीज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी इजाजत हो तो शांति से चाय पी लूं। मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। हो गए सारे कोन्स रेडी? आप क्या लेंगे मुझे बताइए सबसे पहले, चाय, कॉफी, कुछ खाने के लिए? अरे नहीं थैंक यू, आज हमारा भी तीज का व्रत है, वो भी निर्जला, और हमारे घर में सभी औरतों ने तीज का व्रत रखा है, यहाँ तक कि लड़कियों ने भी रखा है ताकि उनकी जल्दी शादी हो जाए। कितने लोगों को मेहंदी लगवानी है? नेहा तो लगवा रही है, मैं काकी माँ लगवाएंगी और माँ लगवाएंगी। और जानवी? तीज का व्रत मैं भी रख रही हूँ। लिसन, मुझे पता है जो मैंने तुमसे कहा था तुम्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं तुम्हारी सिचुएशन नहीं जानती जानवी, पर मैं ये जानती हूँ कि
किसी भी वाइफ के लिए अपने हस्बैंड से दूर रहना आसान नहीं होता। तुम क्यों कर रही हो अपने साथ ऐसा? तुम्हारी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, अपने बारे में सोचो। क्या आपके पति आपको छोड़कर चले गए हैं? ऐसे पति के लिए ना तो मैं व्रत रखूं और ना ही उसके नाम की मेहंदी लगाऊं। एग्जैक्टली, क्यों हर्ट कर रही हो अपने आप को? अगर जानवी अपने पति के लिए व्रत रखना चाहती है, प्रार्थना करना चाहती है, तब होते कौन है उसे रोकने वाले? और क्या पता उसकी श्रद्धा देख के भगवान एक दिन जानवी और उसके पति को एक करते। इसे मुझे दिन दहाड़े किडनैप नहीं कर सकते। मेरी वाइफ इतनी बिजी हो जाएगी तो किडनैप ही करना पड़ेगा मुझे। आदि, आदि, ऐसे तुम इतनी भोली नहीं हो जितनी दिखती हो। क्या मतलब? अभी कौन है? जलने की स्मेल आ रही है। क्योंकि जल रहा हूं मैं। कहाँ हो तुम आदि? बेडरूम में भी नहीं थे। आदि, आदि, आपके अलावा किसी का नाम कैसे लिखवा सकती हूँ? अब देखिए, आदि का मतलब होता है सूरज, तो मैंने अभी लिखवाया है क्योंकि उसका मतलब भी सूरज होता है। और फिर अगर आपका और मेरा नाम जोड़ेंगे ना, तो वो अभी बनता है। मैं जानता था निशा ड्रामा कर रही है, वरना डॉक्टर निशा को क्यों फोन करे? मुझे फोन कर सकता है ना? इसका मतलब है कि वो हमें बेवकूफ बना रही है और हम बनते जा रहे हैं। मैं जानता था ये औरत तभी नहीं सुधरेगी, ड्रामा कर रही है। अब हमें निशा को रंगे हाथों पकड़ना है, तभी जानवी को यकीन होगा। वो बेचारी इतना कुछ कर रही है इसके लिए। अगर ये हमारे साथ नाटक कर रही है तो हम भी इसके साथ नाटक करेंगे। ऐसे ही पकड़ेंगे इसे। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में क्या है। वैसे एक बात तो अच्छा है कि एक ही रात में तुमने अपना मन बदल लिया, पर एक बात तो बहुत अच्छी है कि एक ही रात में तुमने अपना डिसीजन जो है वो बदल लिया। देखो, कमरे का डेकोरेशन भी वैसा ही है और फूलों में अब भी वही महक है। नरेन बाबू को किसी भी तरह धातु से दूर रखना पड़ेगा। कम ऑन पूजा, जल्दी से साइन करो और अपनी फैमिली को फ्री करवाओ। सबको ना चाहेंगे, मजाक आ रहा। सुनिए जी, ये अजय और रोहित जबरदस्ती घर में घुस आए। हमें पुलिस स्टेशन जाना है, गुंडों के खिलाफ कंप्लेन करनी है हमें। ए, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जब देखो जहाँ देखो अपने सही गलत का झंडा गाड़ के खड़ी हो जाती हो। हर जगह एक ही सलूशन नहीं चलता है। पर गलत गलत होता है और गलत को सजा मिलनी चाहिए। फिर चाहे वो गलत किसी अपने ने क्यों ना किया। गलत काम है प्रेम। अगर किडनैपिंग गलत है तो फिर सही क्या है? पुलिस स्टेशन में जाकर तूने सबके सामने ये बोला कि इस पूरी किडनैपिंग के जिम्मेदार मेरे पापा है, ये सही है? गौरी, छोड़ दो अब ये पागलपन, वरना मैं सेठ जी को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी। आपको जिसे जो कहना है ना, कह लीजिए। तुमसे है हमारी आन, तुमसे है हमारी शान, जब हमें छोड़कर जाओगी तोड़ जाएगी रौनक हमारी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है और मुझे अम्बी से प्यार है, सच्चा प्यार। मैं कितनी डर गई थी पता? Really? अब मैं तुम्हारे लिए फिक्र भी नहीं कर सकती। यही तो मुझे जानना है, तुम मेरे लिए इतनी कंसर्न क्यों? Because I worry for you, मुझे तुम्हारी फिक्र है।